नमस्कार भाइयों, तो कैसे हो आप सब यार। कल ही टोयोटा ने अपनी अर्बन क्रूजर हाईराइडर को रिवील करा है, साथ में आप शोरूम पे जाके इसकी 25,000 में बुकिंग भी करवा सकते हो। आप बात कर रहे हो, लेकिन बात ये नहीं है। आज मैं आपको देने वाला हूँ इस गाड़ी का फुल डिटेल वॉक अराउंड, जिसमें बात करेंगे इसके एक्सटीरियर से लेके इंटीरियर की, इंटीरियर से लेके सेगमेंट फर्स्ट फीचर की, साथ ही में इसके कलर ऑप्शन और एक्सपेक्टेड प्राइसेस की भी। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि हम मुझे ट्रेंड में, और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए। तो भाई स्टार्ट करें वॉक अराउंड से। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो कि टोयोटा ने फ्रंट डिजाइन काफी बल्की रखी है इस गाड़ी की, और एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि इस गाड़ी की जो फ्रंट ग्रिल है वो ऑलमोस्ट पूरी क्लोज्ड है। थोड़े बहुत आपको होल जरूर मिलेंगे एयर पास करने के लिए, मगर इसकी ग्रिल नॉर्मल गाड़ी की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये टोटली एक हाइब्रिड कार है, तो इसकी ग्रिल पे सामने आपको थोड़ी बहुत कार्बन फाइबर जैसी फिनिश देखने को मिलेगी। साथ में टोयोटा का लोगो भी दिया गया है बड़ा सा, और साथ में आपको एज पे मिलेंगे ट्विन एलईडी डीआरएल्स जो काफी अग्रेसिव बना रहे हैं गाड़ी को। और यार टोयोटा की गाड़ी में एक सिमिलैरिटी जरूर रहती है कि उनके जो बम्पर रहते हैं वो ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में एक जैसे रहते हैं। बात तो सही है, मगर इस गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं है। इसका बम्पर काफी अलग और डिफरेंट दिखता है, और इसी बम्पर में इंटीग्रेटेड है इसका एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप। खैर ये तो बात रही इसकी फ्रंट की, अब आ जाते हैं साइड में। और साइड में आते ही जो सबसे पहले आपकी नजर जाएगी ना, वो जाएगी इसकी 17 इंच के मशीन कट एलॉय व्हील्स पे, जो काफी सुंदर लग रहे हैं। और इसमें आपको अपोलो का टायर देखने को मिलता है, और साइड लुक से देखा जाए तो ये एसयूवी काफी ज्यादा लंबी लग रही है। खैर इसका जो प्लेटफॉर्म है वो मारुति सुजुकी एस क्रॉस वाला है, जिसे थोड़ा बहुत लेंथ में पीछे से बढ़ाया गया है। अब जरा आते हैं इसके रियर सेक्शन पे, और इस गाड़ी का जो रियर है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे आपको सी शेप्ड एलईडी टेल लैंप्स देखने को मिलते हैं, जो रात में ना मेरे ख्याल से एक नंबर देखने में लगेंगे। अब आ जाते हैं इसके इंटीरियर और फीचर्स पे। तो इस गाड़ी के इंटीरियर आपको कुछ कुछ रिसेंटली लॉन्च्ड मारुति ब्रेजा जैसे देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस गाड़ी को बनाने में सुजुकी का भी योगदान है। तो यहाँ पे बीच में आपको 9 इंच का फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, जो आपने मारुति की भी कई कार्स में देखा है। लेकिन यार इस गाड़ी के इंटीरियर में जो चीज जान डाल रही है वो है इसके प्रीमियम लुकिंग लेदर इंसर्ट्स, और उनके बीच में हाईलाइट करते हुए सिल्वर एसेंट्स, और साथ में इसका बूट स्पेस भी कुछ ऐसा है। यहाँ पे आपको एक बूट लैंप भी देखने को मिल जाएगा। बाकी ना जहाँ तक आप सोच सकते हो वो सारी चीजें इस गाड़ी में मिलेंगी, जैसे कि ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, लेदर अपहोल्स्ट्री, एम्बिएंट लाइटनिंग, वायरलेस चार्जर, हेड्सअप डिस्प्ले, आर्कमिस का प्रीमियम साउंड सिस्टम, 55+ कनेक्टेड कार फीचर्स, सेफ्टी में भी 360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग्स, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड एंड डिसेंट कंट्रोल, और भी बहुत कुछ। साथ में बहुत लोग सोच रहे थे कि टोयोटा अपनी इस गाड़ी में सनरूफ देगा कि नहीं, तो यार सनरूफ की ना बात छोड़ो, टोयोटा ने इसमें पैनोरामिक सनरूफ दे दी है। और यार जब टोयोटा ने इतने सारे फीचर्स दे दिए हैं तो एक चीज और दे देते हैं, वो है एडेस। चलो कोई ना, लेकिन इसमें एक सेगमेंट फर्स्ट फीचर आता है, वो है ऑल व्हील ड्राइव का। जी हाँ आपने सही सुना, और इसमें आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है 1.5 लीटर का के सीरीज पेट्रोल इंजन, जो निकालेगा 103 पीएस की पावर विद 135 एनएम का टॉर्क, और दूसरा है टोयोटा का खुद का 1.5 लीटर का TNGA इंजन, जो कि एक फुली इंपोर्टेड इंजन है, और इस इंजन को लिंक करा गया है एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड सिस्टम के साथ। साथ ही में हाइब्रिड सिस्टम और इंजन मिलकर निकालेंगे 115 पीएस की पावर। और मजे की बात यह है कि अगर आप चाहो तो इस गाड़ी को सिर्फ ईवी मोड पे भी चला सकते हो। बाकी इसके फोर व्हील ड्राइव वेरिएंट में आपको मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि स्नो एंड स्पोर्ट्स। अब बात कर लें इसके कलर ऑप्शन की, तो ये 7 मोनोटोन + 4 डुअल टोन कलर ऑप्शन में प्रोवाइड करी जाएगी। और बात कर लें इसके एक्सपेक्टेड प्राइस की, तो इस गाड़ी की जो प्राइस है वो स्टार्ट होगी अराउंड ₹11 लाख से एक्स शोरूम। और बहुत लोगों को ये डाउट हो रहा था कि ब्रेजा वाले सेगमेंट में आएगी, मगर ऐसा नहीं है, ये आएगी क्रेटा के सेगमेंट में। खैर टोयोटा ने ये गाड़ी पहले लॉन्च कर दी है सुजुकी से, क्योंकि जल्द ही मारुति की भी आपको इसी सेगमेंट में सेम गाड़ी देखने को मिलेगी, मगर ऑलमोस्ट वो गाड़ी पूरी सेम रहेगी, हो सकता है उसका विटारा नाम हो। हाँ पर उसमें कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस होंगे छोटे मोटे, खैर देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आपको कैसी लगी टोयोटा हाईराइडर मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।